हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड में होमगार्ड की अभी ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिलअप हो रहे हैं। यदि आपने अभी तक फिल नहीं किया तो जल्दी से फिल कर लें, क्योंकि इसका जल्द ही आपका क्या होगा, फिजिकल होने वाला है। तो जल्दी से, यानी 23 तक इसकी लास्ट डेट है, 3 अगस्त से ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ज़रूर सबमिट करें, जल्द से जल्द सबमिट करेंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि फिजिकल के हेतु आपका प्रवेश पत्र कब तक आएगा और रिजल्ट कब तक आने वाला है फिजिकल के बाद आपका, और आपका जो लिखित एग्ज़ाम होगा और शारीरिक एग्ज़ाम होगा कितने कितने मार्क्स का होगा, पूरी जानकारी जानेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म इस तरह से है, आप इसे CSC सेंटर में जाके या फिर अपने ही फ़ोन से प्रिंट आउट करके इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। फिलअप कैसे करना है, इसके संबंध में वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं किस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने हैं, इस पर भी वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो जैसे कि बताई है डेट की, इसका जो परीक्षा होने वाली है फिजिकल की, वह 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 1 सितंबर से जैसे ही स्टार्ट होगी, यानी कि आपका, यानी 1 सप्ताह के पहले आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी 25 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, 25 अगस्त तक। मतलब आप मान के चलिए कि अगस्त के जो एंड सप्ताह होता है उसमें आपका जो है यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। 1 सितंबर में किस किस का यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, क्योंकि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में आपका यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। भर्ती के 2 पार्टीशन हैं, प्रथम चरण में जो होंगे उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में होंगे। ठीक है, जो इस ज़िले के कैंडिडेट्स हैं वो अभी से लग जाएं, क्योंकि 1 सितंबर आने वाला है, तो आप ज़रूर इसके लिए तैयारी करें। ठीक है, फर्स्ट चरण में ये होगा, और ये कब से होंगी और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, देखिए 3/8 से लेकर 23/8 तक आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 25 से लेकर 31 अगस्त के मध्य आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है ऑफलाइन आएगा आपका। ठीक है, ऑफलाइन बाय पोस्ट आपका आएगा, जैसे कि बाय पोस्ट आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपका बाय पोस्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 अगस्त से आपका जो है यहाँ पे 1 सितंबर से आपका यहाँ पे प्रथम चरण वाले जो मैं आपको वो नाम बताए अभी जो जनपद थे उनका फिजिकल होगा, और 14 दिन के भीतर ही आपका यहाँ पे प्रथम चरण वाले जो परीक्षार्थी होंगे उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, द्वितीय चरण की जो भर्ती होंगी वह 22/9/2023 से स्टार्ट होंगी, यानी 22 सितंबर से स्टार्ट होंगी, और 6/10 को इनका भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे तैयारी कर लीजिएगा, काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद बताने वाला हूँ कि आपका जो फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल और जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे आपके शख्स योग्यता के आधार पर, अन्य एक्टिविटी के आधार पर, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप फिजिकल में आपका सबसे पहले जो कराया जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस में आपका जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपकी शारीरिक मापजोक यहाँ पर होगी। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर लंबाई देखी जाएगी, लंबाई के साथ साथ आपका यहाँ पर वज़न देखा जाएगा। वज़न में आपका जो है यहाँ पर 45 kg तक आपका वज़न होना कंपलसरी है। यदि आपका इतना वज़न नहीं है तो आपको पहले से ही बाहर कर दिया जाएगा, और नाप जोक्स में ही आपको उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सबसे पहले दौड़ होगी 500 मीटर मात्र है, 10 अंक दिए जाएंगे यदि आप इसे 2.5 मिनट में क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, 3.6 या फिर 4 मिनट में करते हैं तो 5 अंक आपका, ये आपका क्या है, लास्ट पॉइंट है। यदि आप इससे भी बुरे या बदतर या इससे पहले भी आपने, मतलब इससे बाद भी आपने क्लियर नहीं किया तो आपको कुछ मार्क्स नहीं जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद है क्रिकेट बॉल थ्रो 10 अंक का होगा। इसमें आपको 30 मीटर यदि आप फेंक देते हैं, ठीक है, 30 मीटर यदि आप फेंक देते हैं तो आपको यहाँ पे 10 के 10 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। उसके बाद एक और एक्टिविटी आपकी होती है तीसरे नंबर की, वो है लंबी कूद भी आपके 10 अंक का होता है। 10 अंक इसका भी वही है, अब यदि आप 12 से लेकर लंबी कूद की बात करें यदि, तो इसके लिए यदि आप 16 फीट तक क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है,
मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर स्काउट या फिर एनसीसी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको इन तीनों एक्टिविटी पर फोकस करना होगा। 30 में से करीबन आपको 28 मार्क्स तक लाने होंगे यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल हो गया इसमें 3 एक्टिविटी होंगी, दौड़ होगा, क्रिकेट बॉल थ्रो होगा और साथ ही लंबी कूद होगी। टोटल मिला के 30 अंक का आपका ये हो जाता है। उसके बाद जो आपको लिखित परीक्षा नहीं करानी पड़ेगी उसके लिए एक अलग सा फॉर्मेट बना रखा है इस बार, जिसमें आपको अंक दिए जाएंगे देखिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर। तो जैसे कि ये है हमारे पास, ये है देखिए, इसमें आपका शारीरिक जो है फिजिकल दक्ष जो है फिजिकल होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 30 का होगा। उसके बाद सारी योग्यता आपकी 10 मार्क्स की होगी। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर स्काउट गाइड की हैं तो आपको 5 अंक यहाँ पर दे दिए जाते हैं। यदि आप होम गार्ड्स के सदस्यों के पुत्र हैं, अविवाहित पुत्री हैं या पत्नी हैं, कोई भी हैं, तो आपको 5 अंक दिए जाते हैं। खेल कूद में यदि आपका सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक दिए जाते हैं। वाहन चालक हैं तो आपको 5 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से 30 फिजिकल, 30 आपके इस सारी योग्यता एनसीसी सारे मिला के आपके 30 अंक हो जाते हैं। और यदि आप 60 में से 45 मार्क्स भी गेन करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मैक्सिमम 45 से लेकर 50 तक जाने वाली है। तो दोस्तों आप तैयारी पर लग जाएं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।